बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मेरा नाम कामरान मेमन भवानी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल, जहां पर मैं पाकिस्तान एसोसिएशन का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। फ्राइडे की मार्केट को डिस्कस करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्राइडे की मार्केट के हवाले से, फ्राइडे की मार्केट अगर देखा जाए तो थोड़ी सी डल एक्टिविटी रही और रेंज बाउंड की सिचुएशन रही, क्योंकि अगर थर्सडे की बात करें तो हैवी रेन की वजह से काफ़ी क्लाइंट मेंबर्स का जो कम्युनिकेशन जो था वो मुनकता हुआ। इसके अलावा काफ़ी क्लाइंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से स्टॉक से कनेक्ट नहीं हो पाए। इसके अलावा हमने जो है वो स्टॉक मार्केट में रेंज बाउंड की एक्टिविटी देखी और डल एक्टिविटी देखी। इंडेक्स ने हाई लिया 41,164 का और इंडेक्स ने लो लिया 40,994 का। इसके अलावा इंडेक्स की जो क्लोजिंग है 41,056 के करीब रही। हमने अपनी वीडियो कॉल के थ्रू बताया कि मार्केट में किसी किस्म की कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है और आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि मार्केट में डल एक्टिविटी की वजह मेन जो है वो कम्युनिकेशन का ना होना है। बाकी अदरवाइज मार्केट का लॉन्ग व्यू आपका पॉजिटिव है। इसके अलावा हमने लाइव वीडियो कॉल के ट्रांसमिशन भी की और उसमें आपको आपके सवाल के जवाब भी दिए और मुख्तलिफ आइटम्स के हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया भी बताए। अब हम बात करेंगे सेक्टर के हवाले से। अगर फूड सेक्टर की बात करें तो फूड सेक्टर आपका एक्यूमुलेशन पे रहा, जिसमें फौजी फूड और यूनिटी दोनों एक्यूमुलेशन पे रहे। यूनिटी के राइट शेयर क्लोज होने की वजह से यूनिटी में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखा और 13.94 रुपये के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा सीमेंट की अगर हम बात करें तो डीजी खान, मेपल लीफ, कोहार्ट, अटक सीमेंट, पाइनियर सीमेंट, चिराट सीमेंट, लकी सीमेंट थोड़े से यानी कि रेंज बाउंड एक्टिविटी में परफॉर्म करते रहे और राइट यानी अपनी सही जगह पे क्लोज हुए। इसके अलावा अगर हम फार्मास्यूटिकल की बात करें, फार्मास्यूटिकल में सरले और फ्रोज ये भी थोड़ा सा रेंज बाउंड और थोड़ी सी डल एक्टिविटी के साथ रहे, लेकिन अगर डेली के हिसाब से देखा जाए थोड़ा सा नेगेटिव बंद हुए, लेकिन अगर वीक के हिसाब से देखा जाए तो पॉजिटिव क्लोज रहे। इसके अलावा रिफाइनरी में नेशनल रिफाइनरी 187 मेंटेन करता रहा, जबकि अटक रिफाइनरी थोड़ा सा माइनस होके 163 के अराउंड क्लोज रहा। इसके अलावा पाकिस्तान रिफाइनरी में हमने आपको न्यूज़ दी थी कि पाकिस्तान रिफाइनरी की एक न्यूज़ आई थी कि इसका प्लांट शॉर्ट टाइम के लिए शट डाउन हुआ है, क्योंकि हैवी रेन की वजह से। हमने आपको वहाँ पर कॉल दी थी कि उस टाइम पे पाकिस्तान रिफाइनरी लोअर लॉक लग गया था। हमने वहाँ आपको ऑडियो कॉल के थ्रू बताया कि किसी किस्म की कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है पाकिस्तान रिफाइनरी में और ये 19 से लेके 20 तक के लिए क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह 19 का 88 पे क्लोज हुआ और पॉजिटिव पॉइंट के साथ क्लोज हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑयल स्टॉक्स में, तो ऑयल स्टॉक्स में पाकिस्तान ऑयल फील्ड, पीपीएल, ओजीडीसी बेहतर परफॉर्म करते रहे। इसके अलावा शेल ने अपर लॉक लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अपर लॉक पे क्लोज रहा। इसके अलावा ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करें तो ऑटो सेक्टर भी आपका पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स, आजू, जी एच एन आई, एच कार, गेल ये भी थोड़ा हाई साइड जाने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिटिंग के साथ क्लोज रहे। इसके अलावा स्टील सेक्टर में आपका आईएसएल 7350 के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा आईएनआईएल 149 का हाई लिया और 147 पे क्लोज रहा। इसके अलावा अगर मुगल की बात करें तो मुगल भी 69 से अबव क्लोज रहा। इसके अलावा अगर हम इंटर लूप की बात करें, इंटर लूप में हमने आपको प्रॉफिटिंग कॉल दी कि 60 से लेकर 62 के एरिया में प्रॉफिटिंग कॉल करें, क्योंकि ये एरिया ये सस्टेन नहीं करता जब तक 65 से अबव क्लोजिंग ना आए, नई तेजी के लिए ये ओके नहीं है। इसी के साथ हमने इसके अंदर प्रॉफिटिंग देखी। इसके अलावा अगर हम छोटे आइटम की बात करें तो एसटीपीएल, एसटीसीएल, इसके अलावा आपका जीएससीएल, एसगार्ड 9 हमने मुसलसल कॉल दी और अल्हम्दुलिल्लाह ये पॉजिटिव क्लोज हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर आइटम्स में, आपका ट्रीट कॉरपोरेशन, लूड्स और ट्राईपैक फिल्म, और इसके अलावा जो है मेरिट पे थोड़ी सी प्रॉफिटिंग देखी गई। इसके अलावा रोशन पैकेजेस और सिक्योरिटी पेपर ये थोड़े पॉजिटिव क्लोज रहे। गेटम आपका 41 क्रॉस 40 का लेवल क्रॉस कर गया, 41 का हाई लेने के बाद 40 के करीब क्लोज रहा। अल्हम्दुलिल्लाह एज पर अवर व्यू के मुताबिक मार्केट ने परफॉर्म किया और मार्केट रेंज बाउंड रही और मार्केट में जो डल एक्टिविटी रही लो वॉल्यूम्स की वजह से और लास्ट वीक भी था रोल ओवर का, तो इसकी वजह से भी थोड़ी सी एक्टिविटी डल रही, लेकिन अदरवाइज मार्केट के लॉन्ग व्यू पॉजिटिव थे। हमने आपको मुसलसल ऑडियो और वीडियो कॉल के थ्रू अपडेट रखने की कोशिश की, किसी किस्म की कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। अब हम बात करेंगे कल के इंडेक्स के हवाले से, यानी कि मंडे का व्यू आपके साथ डिस्कस करेंगे। इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो 41,056 पे है। अगर इंडेक्स की कल का दिन देखा जाए तो लास्ट डे है मंथ क्लोजिंग का। इंडेक्स का जो हाई लगा है इस मंथ में 41,276 का हाई लगा है। इसके अलावा अगर
हम इंडेक्स का लो देखें तो 39,400 के करीब लो लगाए। अगर इंडेक्स की हम एवरेज की बात करें तो 40,000 और 400 की एवरेज बनती है इंडेक्स की क्लोजिंग, जो कि देखा जाए तो इंडेक्स आपका 500 पॉइंट एक्स्ट्रा है यहाँ से। इसके अलावा अगर इंडेक्स के लॉन्ग व्यू के हिसाब से अगर हम बात करें तो वीक की जो क्लोजिंग है वो बेहतर है और बहुत अच्छी जगह पर आएगी। अगर वीक में 41,400 के लेवल ब्रेक हो जाता है तो मार्केट यहाँ से नई तेजी की यानी लीक कर सकता है, यानी कि 42,000 42,500 तक इजीली मूव ऑन कर सकता है। तो इंडेक्स का ओवरऑल व्यू लॉन्ग व्यू पॉजिटिव है और शॉर्ट व्यू के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो 41,000 56 पे क्लोजिंग है, तो इसके हिसाब से फर्स्ट रेजिस्टेंट 41,400 का है और सेकंड रेजिस्टेंट 41,700 का है। इसके अलावा अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो 39,800 फर्स्ट सपोर्ट लेवल और सेकंड सपोर्ट 39,500 है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है वो यानी कि थोड़ा हाई लेने के बाद थोड़ी सी डिप ले सकती है, क्योंकि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 41,400 से अबव 40,400 से अबव बनती है। तो आपने करना ये है कि जो आइटम्स हाई हो चुके हैं उनमें प्रॉफिटिंग करनी है और जो आइटम डिप पर है उनमें जो है वो एक्यूमुलेट करना है डिप पर, क्योंकि लॉन्ग व्यू के हिसाब से पॉजिटिव इंडेक्स। तो शॉर्ट में थोड़ी सी करेक्शन स्लाइटली करेक्शन आ सकती है। इसके अलावा अगर हम सेक्टर के हवाले से बात करें तो सेक्टर में आपका फौजी फूड और यूनिटी दोनों अपसाइड के लिए अच्छे हैं, इंशाल्लाह यहाँ से बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट सेक्टर में डीजी खान, मेपल लीफ, कोहाट, अटक सीमेंट, पाइनियर सीमेंट, चिराट सीमेंट, लक्की सीमेंट, ये डीसीएल, ये अच्छे हैं। इंशाल्लाह इनमें एक्यूमुलेशन होगी, थोड़ी सी करेक्शन आने पर इनको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम सरले और क्रॉस की बात करें तो सरले जो है वो आपका पॉजिटिव है, 260 260 190 50 से अबव क्लोजिंग है, ये किसी भी टाइम 265 270 275 का राउंड जा सकता है। अगर हम फिरोज की बात करें, फिरोज ने लास्ट वीक में 51 रुपीज का गेन किया है, तो इस वीक में इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड यही है कि ये 420 से लेकर 430 तक 435 तक आराम से मूव ऑन कर सकता है। इसके अलावा अगर हम पेपर एंड बोर्ड सेक्टर की बात करें, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर में पैकेजेस ओवरबोर्ड है, हाई साइड पे जाए तो प्रॉफिटिंग करनी चाहिए। इसके अलावा सिक्योरिटी पेपर आपका अच्छा है और अपसाइड के लिए 165 से 170 यहाँ से जा सकता है। इसके अलावा अगर हम रोशन पैकेजेस की बात करें तो रोशन पैकेजेस आपका पॉजिटिव है, 28.5 से लेकर 29 30 तक ये जा सकता है, लॉन्ग व्यू में 30 से 35 हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें चिराट पेपर एंड पैकेजेस की, चिराट पेपर एंड पैकेजेस थोड़ा सा करेक्शन ले सकता है लेकिन शॉर्ट डिप पे इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, 175 से लेके 180 तक मूव कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिफाइनरी सेक्टर में तो रिफाइनरी सेक्टर में एनआरएल आपका पॉजिटिव है, एनआरएल जो है 190 से 95 तक जा सकता है, पाकिस्तान रिफाइनरी आपका 19 से लेके 20 के एरिया में मूव कर सकता है। इसके अलावा अगर हम अटक रिफाइनरी की बात करें तो थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है, थोड़ी सी करेक्शन आने के बाद ये सेट हो सकता है। इसके अलावा ऑयल स्टॉक में आपका पाकिस्तान ऑयल फील्ड, पीपीएल, ओजीडीसी, पीएसओ, शेल आपके पॉजिटिव, शेल को जो है 300 के करीब प्रॉफिटिंग करनी चाहिए। इसके अलावा ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर में पीएसएमसी, साजू, जीएचएनएल, जीएचएनआई, होंडा कार, गेल, ये पॉजिटिव है अपसाइड के लिए। अगर शॉर्ट करेक्शन आती है मंथ क्लोजिंग के हिसाब से तो इनका एक्यूमुलेट करना चाहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में एक अच्छी रैली में कन्वर्ट हो सकते हैं। स्टील में आपका आईएसएल, मुगल और इंटरनेशनल इंडस्ट्री पॉजिटिव है अपसाइड के लिए। इसके अलावा अगर हम छोटे आइटमों की बात करें तो ट्रीड, लोड, एसटीपीएल, एसटीसीएल, इसके अलावा मैरिट, इसके अलावा जो है जेएससीएल, स्पेशली एसगार्ड 9, ये पॉजिटिव है अपसाइड के लिए, इनमें एक अच्छी रैली बन सकती है। एसएनजीपी और नेटसोल, ये भी पॉजिटिव है, इनमें भी इंशाल्लाह एक अच्छी रैली बन सकती है। जनरल टायर की अगर हम बात करें तो जनरल टायर 78 से लेकर 80 तक मूव कर सकता है। इसके अलावा डिलीवरी के लिए एटलस बैटरी और एक्साइड बैटरी दोनों पॉजिटिव है, इंशाल्लाह एक अच्छी रैली में कन्वर्ट हो सकते हैं। निषाद मिल की अगर हम बात करें तो 110 से लेकर 112 रुपये तक के लिए लॉन्ग व्यू में, 115 से 20 तक के लिए क्लियर है। गैटम जो है उसमें आप प्रॉफिटिंग करें 141 से लेकर 43 के एरिया में। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि जो आइटम हम कवर नहीं कर पाए हैं इंशाल्लाह हम अपनी ऑडियो कॉल के थ्रू आपको कवर यानी तमाम आइटम्स को कवर करेंगे, इंडेक्स को कवर करेंगे। जहां पर अगर कोई पैनिक सिचुएशन हुई या प्रॉफिटिंग कॉल हुई तो हम प्रॉफिटिंग कॉल देंगे, अदरवाइज लॉन्ग व्यू आपका पॉजिटिव है मार्केट का और आइटम वाइज भी लॉन्ग व्यू पॉजिटिव है। ठीक है जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।